नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से जीपे के द्वारा यानी गूगल पे के माध्यम से एयरटेल या एनी डीटीएच का रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि हमें जीपे तो यूज करना आता है लेकिन हमें डिश टीवी या टाटा स्काई जैसे डीटीएच होते हैं उनका रिचार्ज करना नहीं आता, तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको डिश टीवी का यानी डीटीएच, टाटा स्काई, एनी जो भी है उनका हम रिचार्ज करना आपको सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर हम गूगल पे के माध्यम से सिखाएंगे आपको रिचार्ज करना, तो आप गूगल पे को ओपन कर लीजिए, एन पिन डालिए 4 डिजिट वाला, आपका जीपे का इस तरह का इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पर न्यू पेमेंट लिखा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने मोबाइल रिचार्ज बिल पेमेंट लिखा है, आप बिल पेमेंट पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको आ रहा है डीटीएच केबल, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टपेड बिल, तो आपको डीटीएच केबल चाहिए इनका रिचार्ज करना है, तो आप सिंपल से इस पर क्लिक करें एंड यहाँ पर ऑपरेटर सेलेक्ट करें, आपकी डिश टीवी है, डीटीएच है या बिल्स पेमेंट्स हैं जो भी हैं आप सिलेक्ट कीजिए, अथवा है डिजिटल है, हमारा है डिश टीवी, तो सिंपल से हम डिश टीवी को सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड आपने डिश टीवी का पहले रिचार्ज किया तो ऑलरेडी आ चुका है लेकिन आपको नया जोड़ना है, नया करना है, VCID आपको नया डालना है, तो सिंपल सा आप एरो पे क्लिक करके लिंक अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर या बैंक कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं, कार्ड नंबर कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो यहाँ पर जो BC नंबर दिख रहा है 0254 इस तरह का आपका कार्ड नंबर होगा, एक बार डिजिट को आप गिन लीजिए और एक कार्ड नंबर आप इसमें अंदर फिल कीजिए। अगर कार्ड नंबर नहीं है तो आपने रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर दिया है डिश टीवी को, वहाँ से जो रजिस्टर्ड है उनके कॉल आते हैं, आप वो नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, तो सिंपल से हम नंबर डाल देते हैं एंड यहाँ अकाउंट नेम डाल सकते हैं जो भी नेम है उनका एंड सिंपल से एरो पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर अकाउंट लिंक हो जाएगा, आप लिंक कर लीजिए। एंड लिंक अकाउंट करने के बाद मेक ए पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ अमाउंट डालेंगे, आपको कितने का रिचार्ज करना है, यहाँ पर 200 करना है, 300 करना है, जो भी आपको डालना है वो यहाँ आप डाल सकते हो, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिश टीवी का रिचार्ज कर सकते हैं, DTH का। यहाँ पर आप अकाउंट नंबर अमाउंट डालने के बाद एंड 4 डिजिट का पिन डालेंगे और रिचार्ज आपका हो जाएगा, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।